सो हे बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल के फिर से एक नए फ्रेश ब्लॉग में। एंड आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं अपनी बजाज पल्सर 125, जिसको अभी रिसेंटली मैंने परचेज किया है। लगभग 4 से 5 महीने हो चुके हैं एंड इस पर काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने बना दी है। इसका लेकिन फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट कितना आया था, फर्स्ट सर्विस कैसा प्रोसेस, सारी चीज़ें मैंने बना दी है। एंड आज जा रहे हैं हम इसकी सेकेंड सर्विस करवाने, मतलब आज इसकी जो सेकेंड सर्विस है उसको हम करवाने जा रहे हैं। जिस इस वीडियो में मैं आपको इसका सारा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चार्जेस हमें देने पड़ते हैं। तो बाइक देख सकते हो कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है, मतलब अपने एरिया में जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रखी है, इस वजह से भैया ने बाइक धुलवाई भी नहीं थी। एंड ये रूरल एरिया में ज़्यादा चलती है, तो इसकी हालत देख रहे हो कितनी ज़्यादा खस्ता हो रखी है, मतलब ऊपर से कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है। एंड ऊपर से तो बाइक कितनी भी गंदी हो जाए, हम वॉश करवा के पॉलिश वगैरह मरवा के बहुत अच्छे से मेनटेन रख सकते हैं, बट जो मेन थिंग होती है वो होती है इसका इंजन। इंजन की परफॉर्मेंस को मेनटेन रखना, इंजन की लाइफ को मेनटेन रखना, ये सबसे बड़ा टास्क होता है एक बाइकर के लिए। एंड इसके लिए एक चाहिए होता है हमें एक बेहतरीन इंजन ऑयल, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं हंग तूफान इंजन ऑयल, जो कि ब्रांड वाइज साहिल खान है। एंड काफ़ी अच्छा इंजन ऑयल है, फुली सिंथेटिक है, सारी बाइक्स एंड सारी कार के लिए अवेलेबल है। अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट दोनों ही जगह पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ये लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट एंड आपको इस बाइक की सेकंड सर्विस का पूरा प्रोसेस एंड कितना ज़्यादा चार्जेस हमें पे करना पड़ता है ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। एंड जिन्होंने हमारी लास्ट वाली जो वीडियो है फर्स्ट सर्विस की उसमें देखी होगी तो सबको पता ही होगा कि हमारा जो सर्विस सेंटर का डिस्टेंस है वो बहुत ही पास है, हार्डली 2 से 3 मिनट का रास्ता है यहाँ से बाइक से अगर हम जाते हैं तो। और इसमें ना कई सारी प्रॉब्लम आ रखी हैं, जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि इसमें जो मिसिंग वाली प्रॉब्लम है, बाइक चलते चलते अपने आप बंद हो जाती है लो RPM पर। एंड अब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है बंद होने लगी है, और उसको मैंने सही करवाया था बट फिर भी जो है वो सही नहीं हुई। आज जाके उनको क्लियरली बताएंगे कि हाँ भाई देखो ये प्रॉब्लम है, इसको अच्छे से आप सही करो। एंड दूसरी चीज़ है इसकी जो चेन वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रही है, पीछे से भी अननेसेसरी साउंड आ रहा है, अरे चचा। एंड किलोमीटर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारी जो बाइक है वो चल चुकी है 4,406 किलोमीटर। लास्ट वाली जो सर्विस थी वो मैंने करवाई थी इसकी लगभग 750 किलोमीटर के आसपास, लगभग 4,000 किलोमीटर चल चुकी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर हो चुकी है। ये सब छोटे इंजन होते हैं, 2 से 2,500 किलोमीटर पर आपको इसकी सर्विस करवा देनी चाहिए। एंड इसकी जो सर्विस है वो इतना ज़्यादा डिले इसलिए हो गई क्योंकि मैं चला गया था एक ट्रिप पर, लगभग 10 से 12 दिन मैं बाहर ही था और भैया को भी टाइम नहीं रहता, उनको संडे टाइम रहता है, जिसकी वजह से इसकी जो सर्विस है वो इतना ज़्यादा डिले हो गई। बट आप इतना ज़्यादा डिले मत किया करो, 2 से 2,500 किलोमीटर पर इसकी सर्विस करवा दिया करो। लो भाई बातें करते करते हम सर्विस सेंटर भी आ गए, मतलब 1 से 2 मिनट का ही रास्ता लगा हमें, और अभी जाके यहाँ देखते हैं क्या सिस्टम बनता है। काफी दिनों के बाद आए हैं हम, तो ये देखो नई N160, तो पहले इसको चढ़ा ही देते हैं फटाक से। सुबह सर्विस सेंटर पे आ चुके हैं एंड जो बाइक का जॉब कार्ड होता है वो बन चुका है एंड बाइक अपनी इधर खड़ी हुई है, अभी वॉश होने जाएगी, उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। जितनी भी कमियां थी मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं A to Z, अब प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती ये तो आपको वीडियो के एंड में पता चल ही जाएगा। तो वो इस बाइक जो है अपनी वॉश होके आ चुकी है एंड यहाँ पे मतलब रैंप पे लग रही है, और इस बार सर्विस करेंगे ये वाले भैया हमारी बाइक की। बाकी इस बार वॉश बहुत अच्छे से हुई है, मतलब मैंने पहले ही बोल दिया था कि बहुत अच्छे से कर देने, क्योंकि बाइक भाई इतनी ज़्यादा गंदी थी कि देख ही नहीं जा रही थी। तो यहाँ पे जो मिसिंग वाली प्रॉब्लम आ रही थी उसका सीन भैया चेक कर रहे हैं अभी। देखा, देखो बाइक बंद हो चुकी है, अब इसका सोल्यूशन भैया देखेंगे क्या करना है। बाकी ये हमारा जॉब कार्ड है, यहाँ पर हमने सारी प्रॉब्लम ऑलरेडी शेयर कर दी थी, इसमें क्या क्या जो है दिक्कतें आ रही हैं, तो बताने के साथ ये देखो सब लिखा हुआ है A to Z। तो यहाँ पे सबसे पहला काम जो हो रहा है वो अपनी बाइक का जो इंजन ऑयल है उसको रिलीज़ किया जा रहा है, मतलब ये पुराना इंजन ऑयल है जो हमारी बाइक में पड़ा हुआ था, उसके बाद हमारी बाइक में जो है नया इंजन ऑयल पड़ेगा। बाकी यहाँ पे जो अपना एयर फिल्टर है उसको ओपन किया जा रहा है, एंड ये सारी चीज़ें जो होती हैं जैसे एयर फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, और यहाँ पे देख सकते हो डिस्क ब्रेक के जो कैलिबर्स होते हैं या फिर व्हील्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके हर सर्विस में चेंज होते, मतलब खुल के साफ़ किए जाते हैं और टाइम टू टाइम इनको चेंज भी किया जाता है।
हमारी उसके लिए जो भाई टेस्टिंग करने के लिए बैठे हुए हैं, अब यहाँ पर पूरी टेस्टिंग हो रही है कि मिसिंग क्यों मार रही है। ये अपना मीटर वीटर लेके आ गए हैं। तो यहाँ पे भाई जो बीमारी थी वो पकड़ में आ चुकी है। यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रॉटल पोजीशन सेंसर वोल्टेज नॉट इन एक्सपेक्टेड रेंज फॉर जीरो थ्रॉटल ओपनिंग, मतलब इसका जो थ्रॉटल सेंसर होता है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो बाइक है वो बंद हुई जा रही है। तो यही बेनिफिट हुआ और हम लोग रेस को टाइट करा रहे थे। लास्ट टाइम भी आया था बट उस टाइम पे ये जो प्रॉब्लम थी वो दूर नहीं हो पाई थी और वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रही थी। तो यहाँ पे ये सेंसर पकड़ में आ गया, वो सेंसर चेंज हो जाएगा, बाइक की जो मिसिंग वाली प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। भाई अपनी जो बाइक है वो सर्विस होके मिल चुकी है, बिल मैंने पेड कर दिया है। पहले मैं सबसे पहले आपको बिल दिखा देता हूँ कि हमने जो बिल है वो कितना पेड किया है। हंसना नहीं, पहले ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 17.99 रुपीज़, मतलब टोटल मैंने 18 रुपये पेड किए हैं, जिसमें से इंजन ऑयल मैंने अपना हम तूफान का यूज़ किया था जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। और अगर आप जो है इनका इंजन ऑयल यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको पेड करने पड़ते हैं, मतलब 478 रुपीज़, मतलब 500 रुपये के अंदर ही अंदर रहता है। बाकी क्या क्या जो है इसमें हुआ है वो एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको फटाफट से। तो सबसे पहले जो इन्होंने किया था वो इंजन ऑयल ड्रेन किया, नया इंजन ऑयल डाला जो कि हमने दिया था हम तूफान ब्रांड बाय साहिल खान। एंड सेकेंड थिंग जो थी इसका एयर फिल्टर वो क्लीन किया गया है, वो चेंज नहीं हुआ है। फ्रंट व्हील में ऑयलिंग ग्रीसिंग हुई है। डिस्क ब्रेक जो है वो कैलिबर जो है वो खोल के इसके जो है एकदम क्लीन किए गए हैं, क्योंकि इसमें जो है दिक्कत आ रही थी, जो मतलब पंच नहीं ले रहा था, तो उन्होंने ऑयल वगैरह जो चेक करना था वो कर दिया है। रियर व्हील भी जो है इसका ओपन होके किया गया है। बाकी जो चूंपू की आवाज़ आ रही थी खटर पटर की, वो दिक्कतें दूर हो गई हैं। चेन वगैरह तो वैसे भी यूजली टाइट होती होती हैं। जो मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, जो हमारी बाइक बंद हो रही थी, उसके लिए इन्होंने जो है एक सेंसर था जो कि मैंने दिखाया, वो सेंसर इनका जो है वीक था, तो उसको इन्होंने अभी हाल फिलहाल अपडेट किया है, चेंज नहीं किया। अगर दोबारा वो प्रॉब्लम आती है तो ये अपडेट करके मुझे नया सेंसर डाल के देंगे। तो ये चीज़ थी। बाकी अभी चलाते हैं इसका और देखते हैं कि जो इसका परफॉर्मेंस है सेकेंड सर्विस के बाद वो कैसा होने वाला है, एंड जो इंजन ऑयल हम तूफान ने डाला है वो हमारी बजाज पल्सर 125 में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो भाई सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो हमारी प्रॉब्लम थी मिसिंग वाली वो दूर हुई है या नहीं। क्योंकि जो है लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब मैंने सर्विस कराई थी इन्होंने सही करके दे दिया, बाहर आता ही बंद होना स्टार्ट हो गई थी। तो पहले स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं। तो भाई अभी के लिए तो ये बंद नहीं हो रही है, अभी थोड़ा सा चला के देखते हैं परफॉर्मेंस में। ओहो क्या बात है यार, साउंड तो एकदम चेंज हो गया है। थोड़ा सा भगाते हैं पहले। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आ रही है भाई, मतलब सेकेंड सर्विस हुई है और बाइक पहले से एंड अप में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, मतलब चलाने में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बाकी ब्रेकिंग का भी एक चेक बार चेक कर लेते हैं। रियर ब्रेक के लिए मैंने बोला था कि रियर ब्रेक जो है सही से काम नहीं कर रहा है। सही है, रियर ब्रेक पे भी उन्होंने अच्छा काम किया है, मतलब जो पहले मान लो 30% लगती थी अब वो 80 के आसपास आ चुकी है। तो वह इस बाइक की सेकंड सर्विस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी ऑलमोस्ट मैंने सारी कवर कर दी है। प्रोसेसर मैंने बता दिया, क्या कॉस्ट हमने पे की है वो भी बता दिया है, एंड क्या क्या चेंज हुआ है ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। बट फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है या कुछ रह गया हो जो मुझसे मैंने ना बताया, तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो या फिर जो है इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे DM कर सकते हो, मैं पर्सनली सबका रिप्लाई देता रहता हूँ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसी बढ़िया बढ़िया सी जो है मस्त मस्त वीडियोस लेके आता रहता है। और हाँ यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, 5000 हिट करने वाले हैं हम लोग, जल्दी से करो ताकि तुम्हारे भाई का मोटिवेशन बढ़ता रहे और तुम्हारा भाई ऐसी बढ़िया बढ़िया सी वीडियोस लेके आता रहे। तो मिलते हैं किसी बड़े से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राइड हार्ड, राइड सेफ।